महाराष्ट्र से पार्टी तरफ बोट से आ रही थी 141 पेटी शराब। पुलिस ने करी से शराब के साथ दो बोट जब्त कर दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। चार आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार। पाटी थाना क्षेत्र में पुलिस की अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध शराब पर जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई पाटी थाना क्षेत्र में की गई है। थाना प्रभारी आर के लोवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध शराब थाना क्षेत्र के ग्राम करी से जब्त की है। शराब महाराष्ट्र से बोट में भरकर नर्मदा नदी से पाटी तरफ आ रही थी। मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा 141 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, जो कि करीबन 1281 लीटर होना पाई गई। शराब के साथ दो बोट जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा चार आरोपी पुलिस गिरफ्तार से फरार है। सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) में मामला दर्ज कर लिया है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं थाना प्रभारी आर के लोवंशी। हाँ, अभी पाटी थाने पर अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भू माफिया और अवैध खनन और शराब अवैध माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करनी है तो आदेशित और निर्देशित किया गया है। उसी के पालन में हमारे पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गहलोत जी द्वारा सभी थाना प्रभारी को आदेशित और निर्देशित किया गया है कि इन अवैध गतिविधियों भू माफिया के खिलाफ और अवैध शराब परिवहन करने वाले के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें। उसी के तारतम्य में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम करी में नर्मदा नदी के रास्ते छेंडिया नाम का व्यक्ति है, जो अवैध भारी मात्रा में जिसने अवैध शराब का संग्रह गाँव के अंदर करके रखा है। सूचना सही की होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करवाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय SDP महोदय के मार्गदर्शन में थाना पार्टी से टीम का गठन किया गया और मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर दबिश दी गई। दबिश देने पर पाया गया कि एक जो छेंडिया नाम का करण उर्फ छेंडिया नाम का जो व्यक्ति है, उसके पास नाव में उसने काफ़ी भारी मात्रा में शराब का संग्रहण करके रखा था। उसको पूछताछ कर कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होना पाया, जिसके कब्जे से 141 पेटी अंग्रेजी शराब और दो फाइबर की नाव बड़ी पनडुब्बियाँ जब्त की गई है। और आरोपी से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की गई तो उक्त शराब उसने महाराष्ट्र से और बड़वानी के संजय पिता राधेश्याम व उसके अन्य साथियों द्वारा उसको बिजासन पे दी गई थी, जो नाव से उसने करी लेके गया था और उसने संग्रह करके रखा था, वो आसपास बेच रहा था। कुल अभी इसमें दो आरोपी गिरफ्तार है, करण उर्फ छेंडिया और एक संजय पिता राधेश्याम। इसमें अन्य चार आरोपी छतर सिंह, नरेंद्र मुकाती, दीपक बघेल और सुरेश नरगावे फरार है। कुल शराब 1216 लीटर शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 5,62,480 रुपये है और दो फाइबर बोर्ड है जिनकी कीमत 4.5 लाख रुपये है। अभी आरोपी गणों को आज न्यायालय प्रस्तुत करके PR लिया गया है और जो महाराष्ट्र से जहां से शराब लेकर के आ रहे हैं उनके विरुद्ध भी हम उनको भी गिरफ्तार कर कार्रवाई करेंगे और जो बड़वानी से जहाँ से हमने शराब लाई है और पूछताछ कर तस्दीक कर उनके विरुद्ध भी हमको इस प्रकरण में आरोपी बनाएंगे। लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। हाँ, लगातार अभी शराब के संबंध में कार्रवाई जारी रहेगी।